हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडिटैप। आप देख रहे हैं हमारी एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन में पिछले सालों में पूछे गए मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन सीरीज, जहां पर 2018, 2019, 2020 के जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे उनको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके हम उनका अप्रोच, उनके इंडिकेटिव आंसर्स आपके साथ डिस्कस करें और ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि किस थीम के ऊपर क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं जीएस पेपर्स के अंदर, किस पर्टिकुलर टॉपिक का ज्यादा इंपॉर्टेंस है जीएस पेपर्स के अंदर। तो इस पूरी सीरीज के अंदर आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस, जो जीएस टू पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। 2018, 19 और 20 में अगर हम क्यूमुलेटिवली देख रहे हैं तो 22 क्वेश्चंस के अराउंड आपसे पूछे गए हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि हर साल अराउंड 1/3 क्वेश्चंस जीएस टू पेपर के वो आपको इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के डिस्कशन। ये 3 सेशंस में चलने वाली डिस्कशन है। हर सेशन के अंदर अराउंड 7-8 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करें हम 2018 के पेपर से। 2018 में पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया इंटरनेशनल रिलेशन का। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डिस्क्राइब द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन एशियन रिलेशन। इंडिया और एशियान के जो संबंध है किस तरीके से ग्रेजुअली चेंज हुए हैं उसको आपको 60 वर्ड्स के अंदर यहां पर एक्सप्लेन करना है। एक चीज हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर जो भी इंडिकेटिव आंसर्स हम आपको देते हैं वहां पर हम थोड़ा सा वर्ड लिमिट के साथ कॉम्प्रोमाइज इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर हम पेपर तो लिख नहीं रहे हैं। ये जो मैंने आपको आंसर दिया है बेसिकली आपको नोट्स की तरह भी काम आने वाला है, आपको रिविजन की तरह भी काम आने वाला है। तो यहां पर हम थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। इस इंफॉर्मेशन को अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा उसको कंडेंस करके लिखेंगे, उसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां इंडिया एशियान के रिलेशंस बिल्कुल फैक्चुअल नेचर है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया एशियान के रिलेशंस किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं लास्ट इयर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। इंट्रोडक्शन में एशियान के बारे में बताया हमने कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 10 मेंबर्स हैं जो साउथ ईस्ट एशिया को बिलोंग करते हैं। अब यहां पर मैंने वो 10 के 10 मेंबर्स लिख दिए हैं। एक्चुअल एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 10 मेंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, मान लीजिए आपको इंडिया एशियन रिलेशंस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तब तो आपको कुछ ना कुछ लिखना है ना 60 वर्ड्स के अंदर, तब चाहे तो आप 10 कंट्रीज के नाम लिखिए। लेकिन इफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया एशियन रिलेशंस और वो किस तरीके से इवॉल्व हुए तो आपको मेंबर्स जितने भी हैं एशियन के उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू में आपके जो 10 वर्ड है वो यहां पर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने बताया कि जो इंडिया एशियान की रिलेशनशिप है वो कैसे इवॉल्व हुई है। हम ये पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको आप एक ग्राफिक फॉर्म में भी बता सकते हो, एक टेबल के फॉर्म में भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। लुक ईस्ट पॉलिसी जो भारत की है वहां से इवॉल्व होकर हम एशियान के सेक्टोरल पार्टनर बने थे 1992 में, डायलॉग पार्टनर बने 1996 में, समिट लेवल पार्टनर बने 2002 में। तो ये जो क्रोनोलॉजी है इस क्रोनोलॉजी को किस तरीके से आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो वहां पर आपकी इनोवेशन काम आती है। अगर आप एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में ये जो पूरा सेंटेंस मैंने एक सेंटेंस के अंदर चीजें लिख दी है इसको थोड़ा और वाइब्रेंट करके भी आप लिख सकते हो। वाइब्रेंट करके कैसे लिखेंगे, हम लोग चाहे तो एक टेबल यहां पर ऐसा बना सकते हैं कि 1990 में ये जो स्टार्ट हो रहा है इसमें सबसे पहले हम लोग सेक्टोरल पार्टनर, उसके बाद डायलॉग पार्टनर, उसके बाद समिट लेवल पार्टनर बनते हैं। तो 1996 इस तरीके से आप एक टेबल बनाएं और यहां पर आगे लिख दो, ठीक है, कि हमारा सेक्टोरल पार्टनर यहां पर बने, यहां पर डायलॉग पार्टनर बने, यहां पर हम समिट लेवल पार्टनर जो है वो बन चुके हैं 2002 में। तो इस तरीके से आप टेबल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। वहां पर क्या होता है कि आपके पास फिर ज्यादा वर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं बाकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्टनरशिप को हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया 2012 में, राइट। तो हमारा 2012 में 20th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की इंडिया एशियन रिलेशंस की और हमने वहां पर अपनी जो पार्टनरशिप उसको अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना लिया। फिर हमने 2014 में जो हमारी 12th समिट थी वहां पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उससे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया। हमने ट्रेड एग्रीमेंट जो है आरसीईपी वो एशियन के साथ जो है फाइनलाइज कर दिया। एशियन इंडियन बिजनेस काउंसिल 2003 में जो बनी थी इसके तहत हमने प्राइवेट सेक्टर के जो मेंबर्स हैं दोनों इंडिया में और एशियन कंट्रीज में उनको भी हमने क्लोज लाने की कोशिश की है। तो एक तरीके से देखा जाए इस तरीके से हमारी 1990 से स्टार्ट होकर के 2020 तक आते आते जो हमारी पार्टनरशिप है वो कैसे इवॉल्व हुई है। 2021 के अंदर हमने जो ये हमारी पार्टनरशिप थी इसको कंप्लीट होते हुए देखा कि यहां पर हमारे जो है अराउंड 30 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं इंडिया एशियन रिलेशंस की, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर कंक्लूजन में भी लिख दी है। कंक्लूजन में इसको आप चाहें तो अपने आंसर के अंदर और शॉर्ट करके लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि जितनी भी तरीके की हमारी कोलैबोरेशन है उससे हम एशियन ग्रुपिंग के साथ सोशल, डिजिटल, फाइनेंशियल डोमेन्स में हम लोग उसको जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं। और इससे होगा क्या, इससे हमारी कोहेजन, रिस्पॉन्सिवनेस और प्रोस्पेरिटी जो है वो दोनों की इंडिया की और एशियन की बढ़ने वाली है, क्लियर। तो ये 4 नंबर का 60 वर्ड्स का आंसर है। ये बहुत सिंपल चीज आपको यहां पर बतानी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Assess about India's chance
टू अटेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट। तो यहां पर क्या करना है, असेस। असेस का मतलब है कि आपको एग्जामिन एक तरीके से करना है, आपको इसकी जांच करनी है कि भारत के क्या चांसेस हैं, क्या आसार हैं दैट वी विल गेट अ परमानेंट सीट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आप जानते हैं भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए काफी लंबे टाइम से हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं। इंडिया के साथ जर्मनी है, जापान है, ब्राजील है, ये जो कंट्रीज है इनको G4 कहा जाता है, G4 कंट्रीज। ये जो G4 कंट्रीज हैं, बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे वांट कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स अभी करंटली 5 हैं, उनका नंबर बढ़ना चाहिए। और कुछ जो दूसरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया अब दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री बनने जा रही है चाइना को सरपास करके, ब्राजील जो है वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है, डेवलपिंग कंट्री है, जापान और जर्मनी की बात करें तो ये दोनों कंट्रीज भी टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकली पावर हाउस हैं, तो इन कंट्रीज का भी ज्यादा से होना चाहिए, ऐसा कहना है G4 का। तो अब यहां पर आपको क्या बताना है, इंडिया के चांसेस क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, यहां पर भी आपके पास 60 वर्ड्स अवेलेबल है, थोड़ा शॉर्ट करके लिखना है सब कुछ। इंडिया हैज बीन परसुइंग द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इसके लिए इंडिया एडवोकेसी कर रहा है लंबे टाइम से, ठीक है। इसके लिए लेकिन हमारे पास सेवरल चैलेंजेस हैं। अगर हम चांसेस की बात करें तो उस चांसेस उसको अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस आपको मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बेनिफिट भी बता दिया, यहां पे बेनिफिट्स की क्वेश्चन में बात नहीं की गई है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बेनिफिट्स यहां पर इंक्लूड किए हैं ताकि अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलती है तो उससे इंडिया को क्या फायदा होगा, तो वो फायदे मैंने यहां पर लिख दिए। ग्लोबल लीडरशिप है और चाइना को काउंटर करना और इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जो है वो रीजन के अंदर और ज्यादा आसान हो जाएगा, ये छोटी सी चीज है। लेकिन ये इस आंसर के लिए रिक्वायर्ड नहीं था, फ्यूचर के लिए रेफरेंस है। अगर हम इस आंसर की बात करें तो यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम बोलेंगे कि देखो P5 कंट्रीज जो है उनसे हमारा रेजिस्टेंस आता है, यानी कि जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं अभी जो मेंबर हैं उनसे भी हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। वो थोड़ा रिलेक्टेंट है अपनी पावर को शेयर ऑब्वियसली नहीं करना चाहते, कौन कंट्री चाहेगी कि जिनके पास एक्सक्लूसिव पावर है, वीटो की पावर है, वो उसको शेयर करे दूसरी कंट्रीज के साथ भी, तो एक तरीके से उनकी तरफ से थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है रेजिस्टेंस। हालांकि यूएस, यूके, फ्रांस की अगर हम बात करें तो वो इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, हमेशा वो कहते हैं कि हम इसके सपोर्ट में हैं। थोड़ा सा जो है रशिया भी सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना वहां पर हमेशा अड़ा रहता है, चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिले। फिर कंसेंसस नहीं है कॉम्प्लेक्स इशू के ऊपर कि अगर साइज बढ़ेगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज, सिर्फ इंडिया को तो परमानेंट मेंबरशिप दी नहीं जाएगी, अगर दी जाएगी तो बहुत सारी और कंट्रीज भी इसके लिए डिमांड करेंगी, तो वो किस तरीके से कंट्रीज के साथ पावर शेयरिंग होगा इसके ऊपर कंसेंसस अवेलेबल नहीं है। दूसरी कंट्रीज से ऑपोजिशन आता है, खासतौर पर अगर हम बात करें एक हम काउंसिल बोलते हैं, उस काउंसिल का नाम है उसे जो है कॉफी ग्रुप, कॉफी टेबल ग्रुप भी बोला जाता है, या फिर यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ये भी नाम दिया जाता है। ये जो ऑपोजिशन है वो आता है मेनली पाकिस्तान, इटली, मेक्सिको, इजिप्ट की तरफ से। हालांकि इजिप्ट ने रिसेंटली अपना स्टांस चेंज किया है, इजिप्ट का कहना है कि नहीं इंडिया को भी देनी चाहिए मेंबरशिप अगर और भी दूसरी कंट्रीज जो अफ्रीका को बिलोंग कर रही है, अफ्रीका की बहुत कम अगर देखा जाए रिप्रेजेंटेशन है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो उसको अगर और अफ्रीकन कंट्रीज को भी जगह दी जाए, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को वहां पर जगह दी जाए, तब जाकर हम इसके लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान है, इटली है, मेक्सिको है, कनाडा है, चाइना है, वो इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे। तो ये यूनाइटेड फॉर कंसेंसस जो है दिस ग्रुप इज ऑल्सो देयर, राइट। उसके बाद ग्लोबल इमेज है इंडिया की, इंडिया को सॉफ्ट कंट्री माना जाता है, इंडिया ज्यादा अगर अलग अलग इश्यूज पे देखा जाए बहुत न्यूट्रल पोजीशन लेता है इंडिया, कोई एक एडमेंट पोजीशन इंडिया कभी नहीं लेता है, अभी रशिया यूक्रेन वार और दूसरी चीजें भी हो वहां पर, तो हम देखते हैं कि इंडिया का एक न्यूट्रल स्टांस रहता है। तो इसमें सोचा जाता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप देने का क्या फायदा होगा, इंडिया कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस तो लेता नहीं है। कॉफी क्लब, जैसे मैंने आपको बताया कॉफी क्लब जो है ये कंट्रीज भी अगेन इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, उनका कहना है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको जरूरत है परमानेंट मेंबरशिप की अगेन, तो ये सारी चीजें। अब यूएन जनरल असेंबली में भी सपोर्ट इंडिया को कोई खास मिलता नहीं है, क्योंकि अगर ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलेगा यूएन जनरल असेंबली के अंदर 80% 70% कंट्रीज अगर मिलकर बोले कि नहीं नहीं हमें रिफॉर्म चाहिए, हमें इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप देनी है, तब जाके कुछ बात बनेगी, ऐसा कोई ओवरवेलमिंग सपोर्ट भी हमको नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कुछ चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को शॉर्ट करके लिखना है, मैंने आपको बहुत सारे चैलेंज दिए हैं, इनको 2 या 3 चैलेंजेस को आप यहां पर लिखोगे और लास्ट में कंक्लूजन देना है, क्योंकि देखो यहां पर बोला गया है असेस, ठीक है, असेस करने को आपको कहा गया था, तो असेस का मतलब है कि यू विल एग्जामिन एंड आफ्टर दैट इट इज नेसेसरी टू गिव अ कंक्लूजन। हम हमेशा ये बात करते हैं ना मेंस आंसर राइटिंग जब भी आप कर रहे हो, एग्जामिन करने को बोला जाए, डिस्कस करने को बोला जाए, असेस करने को बोला जाए, कमेंट करने को बोला जाए, क्रिटिकली कमेंट करने को बोला जाए, तो हमेशा कंक्लूजन की वहां जरूरत रहेगी। कई बार क्वेश्चन जैसा था ना, व्हाट, हाउ, व्हेन,
वेयर, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में कंक्लूजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जब भी आपको ऐसी चीजें पूछी जाएं जहां पर आपको कुछ चीजों को एनालाइज करके आपको वहां कमेंट देना पड़ेगा, आपको वहां पर अपना जजमेंट देना पड़ेगा, तो कंक्लूजन बहुत जरूरी है। तो यहां कंक्लूजन क्या करना है आपको, कंक्लूजन इस तरीके से करेंगे कि देखो इंडिया को बहुत ज्यादा और भी कदम उठाने की जरूरत है अगर हमें रिफॉर्म चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो इसके लिए हमें कोई बैलेंस अप्रोच लेना चाहिए ताकि कंसेंसस बन सके। एक होगा कि सेमी परमानेंट मेंबरशिप बना दी जाए, ठीक है, ऐसा कर दिया जाए कि जो वीटो सीट्स, वीटो की जो पावर होती है परमानेंट कंट्रीज जो पांच हमको ना दी जाए, कुछ ऐसी कंट्रीज जो रोटेशन बेसिस पर उनको वीटो पावर दी जाए, इस तरीके का कुछ आप इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है वो आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हो। और एंड में आप जरूर ये बताओगे कि इंडिया की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की एक स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप हो, स्ट्रॉन्गर मेंबरशिप हो, इस तरीके से आप इसे कंक्लूड करेंगे। असेस करते वक्त आप ये भी नहीं कहेंगे कि इंडिया का कोई चांस नहीं है और ये भी नहीं कहेंगे कि इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, आप बोलेंगे कि इंडिया को मेंबरशिप अगर परमानेंट चाहिए तो उसके लिए कोई इनोवेटिव तरीका हमें वहां पर ढूंढना पड़ेगा जिसमें सभी कंट्रीज का या ज्यादातर कंट्रीज का कंसेंसस हो। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया ईरान एनर्जी सिक्योरिटी रिलेशंस के ऊपर एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया 2018 में, अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन था कि देखो उस टाइम क्या हुआ 2018 में, जैसे आप जानते होंगे यूएस सैंक्शंस लगा दिए गए थे ईरान के ऊपर। क्यों लगा दिए गए थे उस टाइम पर, क्योंकि ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील चल रही थी वो न्यूक्लियर डील फेल हो गई, ब्रेकअप हो गई, और उसकी वजह से दोबारा से ईरान के ऊपर जो है सैंक्शंस लगाए गए। अब उन सैंक्शंस की वजह से इंडिया और ईरान के सिक्योरिटी रिलेशंस के ऊपर क्या जो इफेक्ट है वो आपको यहां पर डिस्क्राइब करना था, थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन जो आपको जेएस 2 में देखने को मिलते हैं, जिस साल पेपर हो रहा है उस टाइम के हिसाब से भी जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उन पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो अगर हम 2023 की बात करें या 2024 के आगे की बात करेंगे तो जो रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं उसके लिए आप लोगों को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। लाइक अगर रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है उसके बारे में आपको तैयार रहना पड़ेगा, ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं फेमिनिस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में आपको तैयार रहना पड़ेगा, जो तैयारी हो रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हम टेररिज्म को लेकर के, इंडिया क्योंकि अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है तो वहां पर हम टेररिज्म को लेकर के काफी ज्यादा एडवोकेसी कर रहे हैं उसके बारे में आपको तैयार रहना पड़ेगा, इंडिया चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं लगातार होते रह रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो तैयार रखनी पड़ेगी। तो ये करंट अफेयर्स के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आप हमेशा से तैयार रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहां अगर इंडिया ईरान एनर्जी रिलेशंस की बात करें तो वो मैंने चीजें पहले इंट्रोडक्शन में ही लिख दी कि देखो जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान हो रहा था न्यूक्लियर डील जिसको हम बोल रहे हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जब वो फेल हो गई तो यूएस ने सैंक्शंस लगाए, उसके बाद से इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया का जो रिलेशन है ईरान के साथ वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, हमारी जो ऑयल सप्लाईज है उन पे शॉक पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो बहुत सारा ऑयल है वो आता है मिडिल ईस्ट से, ठीक है, उसमें ईरान का भी एक बड़ा हाथ है। फर्दर इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर बढ़ सकती है क्योंकि अगर वो ऑयल हम ईरान से नहीं ले पाएंगे तो जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं दूसरी कंट्री से वो शायद अगर इंपोर्ट महंगा हो तो ऑब्वियसली हमारे कंट्री के अंदर भी महंगाई बढ़ेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, इंडियन डियास्पोरा जो ईरान या मिडिल ईस्ट में रह रहा है उसको इस सैंक्शंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो एक अलग चीज है। तो ये सारी चीजें एनालाइज की हमने यहां पर और फाइनली यहां पर कंक्लूजन दे दिया कि ईरान के साथ हमारी जो इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट, ठीक है, चाबहार पोर्ट हम ईरान के अंदर बना रहे हैं उसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम इनहेंस करें ताकि उन सैंक्शंस की वजह से हमारे रिलेशंस जो हैं उन पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। जो भी सैंक्शन लग रहे हैं ईरान के ऊपर इंडिया को अपनी लेवरेज जो यूएस के साथ हमारी अच्छी रिलेशनशिप है उसको यूज करके वी शुड ट्राई कि ईरान के साथ हमारे रिलेशन थोड़े नॉर्मलाइज रहे, ईरान अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में है बिकॉज ऑफ सैंक्शन तो हम उसकी कुछ मदद करें ताकि हमें वहां पर लेवरेज मिले। इस तरीके का कुछ आंसर आप यहां पर लिख सकते हैं जिससे कि इंडिया की रिलेशनशिप हमेशा फेवरेबल रहेगी और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंश्योर रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन आ गया 8 मार्क्स का फ्रॉम द 2018 पेपर, इंपॉर्टेंट फेसेट्स ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। अगेन देखिए इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है ये, चाइना के ऊपर एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो या 4 मार्क्स का या फिर आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन यू विल ऑलवेज एक्सपेक्ट ऑन चाइना। तो चाइना की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फैसेट्स क्या है हमारे चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है तो वो सारे मैंने डिस्प्यूट्स यहां पर एक एक करके लिख दिए हैं, नोट्स के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। हमने कोशिश की है कि बहुत क्रिस्प तरीके से जितने भी वैरायटी ऑफ इश्यूज चल रहे हैं उसको हम यहां पर लिखने की कोशिश करें, जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है हमारी वहां पर डिमार्केशन लाइन क्या है, हम मानते हैं एलएसी डिमार्केशन लाइन है लेकिन चाइना इसको नहीं मानता है, ठीक है, चाइना कहता है कि जो ये ब्रिटिशर्स के साथ हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिसाइड की थी उसको हम नहीं मानते, वो टिबेट के साथ ब्रिटिशर्स ने डिसाइड की थी बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट। एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से डिफरेंट है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो कश्मीर के साथ हमने लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई है जम्मू कश्मीर में और लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है वो चाइना के साथ है हमारी।
इट वॉज डेजिग्नेटेड एज इन 1972 जो हमारी LOC है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो हमारी बहुत पहले की बनी हुई लाइन है, राइट right? तो सेक्टर्स अक्रॉस द LSE, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, तो वहां ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश आता है, सिक्किम आता है, मिडल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं, वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख का रीजन आता है। तो ये अलग अलग थ्री सेक्टर्स हैं जो हमारे चाइना बॉर्डर को डिफाइन करते हैं। LSE इन द ईस्टर्न सेक्टर, उसको हम मैकमहन लाइन बोल रहे हैं, ठीक है, जो हमारा अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। मैकमहन लाइन को हमने अगेन अनडिफाइंड बॉर्डर बिटवीन ब्रिटेन एंड टिबेट की ट्रीटी से डिमार्केट करते हैं, बट चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट। इसीलिए चाइना कहता है कि जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का रीजन है ये एक्चुअली हम टिबेट को बिलोंग करता है, यानी चाइना को बिलोंग करता है, इट डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। तो ये सारी चीजें हैं। जो मिडिल सेक्टर है यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल का है, वो लीस्ट डिस्प्यूटेड सेक्टर है, राइट, वहां पर बहुत ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, हालांकि वहां भी है, वहां भी टेरिटोरियल क्लेम जो है दोनों कंट्रीज के अलग अलग है, लेकिन यहां पर कोई बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लगभग सेटल्ड है मामला यहां पे। डिसएग्रीमेंट्स का है, तो क्लेम लाइन जो है वो डिफरेंट होती है LSE से। लाइन जो कि ऑफिशियल बाउंड्री मैप्स में आप देखे जाएंगे सर्वे ऑफ इंडिया के, उसमें हम अक्साई चीन को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो चाइना के कब्जे में है, राइट, तो ऐसी बहुत सारी टेरिटरी है विच इज अंडर चाइना बट वी रिकॉग्नाइज दैट। तो चाइना के केस में LSE जो है वो मोस्टली चाइना इसकी जो क्लेम लाइन है उसके हिसाब से बिलोंग करता है, राइट। अब इस ये जो जितने बॉर्डर डिस्प्यूट हैं इसको खत्म करने के लिए बॉर्डर नेगोशिएशंस जो हैं वो लगातार चली जा रही हैं। 2003 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है चाइना को उन्होंने विजिट किया और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों साइड से जो है वो अपॉइंट किए गए 2005 के अंदर, और हमने कोशिश की कि डायलॉग के थ्रू वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दीज डिस्प्यूट, बट ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट हमारे लगभग 20 साल हो चुके हैं इस कोशिश को स्टार्ट किए हुए, अभी तक कोई बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन हमें इसमें देखने को नहीं मिला है। और ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। रिसेंटली भी अगर हम देखें तो चाइनीज प्रेसिडेंट उन्होंने इंडिया को विजिट किया 2018 में, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी, इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी अलग अलग विजिट्स के ऊपर, चाहे वो SCO हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो G20 हो, वहां पर हम चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ हम लगातार बात करते रहते हैं, बट ऐसा कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैसेट्स हैं। इसके अलावा पैंगोंग सू के बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और वे फॉरवर्ड में किस तरीके के कंक्लूजन अलग अलग आप यूज कर सकते हो अगर चाइना के बारे में क्वेश्चन आता है, ये कंक्लूजन भी मैंने यहाँ पर दे दिए। इसके अलावा ट्रेड के ऊपर, जैसे चाइना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर अस, चाइना के साथ अगर हम ट्रेड देखें हमारा, तो हमारे बहुत सारे जो छोटे MSMEs हैं उनकी डिपेंडेंसी चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स के ऊपर है। इसके अलावा चाइना से जो इंपोर्ट्स आते हैं, कई बार इंपोर्ट्स डंप किए जाते हैं, वो इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थ्रेटन भी करते हैं। बॉयकॉट चाइना तरीके की कंपेन भी हमारे यहाँ चलती है, बट स्टिल इंडिया में चाइना की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो इंडिया चाइना के रिलेशन को लेकर के फैसेट्स हैं, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। अब यहाँ इंडिया रशिया की बात आ गई। आप देख सकते हैं जो सिलेबस है ना, सिलेबस के अंदर, दिस इज द सिलेबस, ये टॉपिक सिलेबस के अंदर मेंशन है, इंडियाज रिलेशन विद US, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, मिडल ईस्ट कंट्रीज, हमारा नेबरहुड जिसमें आगे हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एक्सटेंडेड नेबरहुड जिसमें हम मिडल ईस्ट को यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं, इसके साथ US, रशिया, ये जो हमारे दो इंपॉर्टेंट ग्लोबल सुपर पावर्स एक तरीके से कह लीजिए, इनके साथ हमारी क्या रिलेशनशिप रहती है। तो ये इन सभी कंट्रीज के ऊपर आपकी रिलेशनशिप को लेकर के नोट्स प्रिपेयर रहने चाहिए। रीसेंट टाइम्स में क्या डेवलपमेंट हुई है, वो जो दोनों रिलेशंस है वो किस तरीके से बेहतर हो रहे हैं, या अगर खराब हो रहे हैं तो क्यों खराब हो रहे हैं, जैसे नेपाल के साथ कुछ इश्यूज हैं, चाइना के साथ कुछ इश्यूज हैं, US के साथ रिलेशंस कैसे बेटर हो रहे हैं, रशिया के साथ रिलेशंस कैसे बेटर हो रहे हैं, ये सारी चीजों के ऊपर आपके पास अराउंड 100 वर्ड्स के नोट प्रिपेयर रहने चाहिए, ताकि अगर 60 वर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आए या 120 वर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आए, आप उसको थोड़ा छोटा या बड़ा करके आंसर लिख सकें, ठीक है। तो इंडिया रशिया के रिलेशनशिप मैंने यहाँ पर बता दिया कि अपने 75th एनिवर्सरी अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया, और डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया था 2000 में, ठीक है, अक्टूबर 2000 में। तो बहुत ही अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमारे इंडिया रशिया के, अगर हम बात करें अक्रॉस द डिफरेंट डोमेन्स, मैंने वो रिलेशन यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला, डिस्क्राइब द इमर्जिंग कोऑपरेशन, कोई आपसे जजमेंट नहीं मांगी गई है, आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि इंडिया रशिया के रिलेशंस कैसे बेहतर हो रहे हैं, कैसे कोऑपरेशन जो है वो बेहतर हो रही है। तो मैंने अलग अलग जो डोमेन से वहां लिख दिया, मैंने पॉलिटिकल लिख दिया है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जैसे अब PM नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन रशिया का दिया था, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल 2019 के अंदर। इसके अलावा ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा पहले पूछा गया है, ये जो मैंने नोट्स आपके लिए बनाए ये थोड़ा रिसेंट टाइम्स को देखते हुए मैंने बनाया, ताकि आप इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे दो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन चलते हैं, ऑन टेक्निकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, तो ये अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो गई। ट्रेड की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है वो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड $50 बिलियन से तक पहुंच गया है, और US $30 बिलियन हम इसको बढ़ाने वाले हैं 2025 तक, ठीक है।
इसके अलावा डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंदिरा एक्सरसाइज करते हैं हम, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज होती है रेगुलरली, इंडिया और रशिया के जो डिफेंस फोर्सेज है वो एक्सरसाइज करते हैं। हमारा डिफेंस के अंदर बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स और हमारे एम्यूनेशन आर्मामेंट्स वेपन्स रशिया से आते हैं। इसमें अगर हम सुखोई M30 MKI की बात करें, हम लोग जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी बात करें, HAL का टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसकी बात करें, इसके अलावा INS विक्रमादित्य जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम था वो भी हमने रशिया से लिया था, जो भीष्मा टैंक है वो हमने रशिया से लिया है, इसके अलावा जो कैमोव जो हमारी कैमोव चॉपर्स हैं वो हमने रशिया से लिए हैं, S-400 जो हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हमने रशिया से लिए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि हमारी डिफेंस की डिपेंडेंसी भी रशिया के ऊपर काफी ज्यादा है। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर रशिया बहुत लंबे टाइम से हमारा साथी रहा है, पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में रशिया और इंडिया की जो एजेंसीज है उनके बीच में MOU साइंड है। हमारा जो कोडनकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी रशिया की मदद से बन रहा है, रिसेंटली रशिया ने उसके लिए एडवांस्ड फ्यूल भी हम लोगों को सप्लाई किया। ठीक है, कल्चर की तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस रही हैं, इंडिया के रशिया के अराउंड 20 इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज वहां पर भारतीय भाषाओं को पढ़ाया जाता है, और भारत के अंदर भी रशिया को लेकर के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा इंडिया का सिनेमा देख लीजिए, इंडिया का डांस म्यूजिक योगा ये सब भी रशिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 8 मार्क्स का क्वेश्चन 2018 का, इंडिया हैज अ रोल इन UN पीस कीपिंग एक्टिविटीज। UN पीस कीपिंग एक्टिविटीज में दो बार क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया किस तरीके से UN पीस कीपिंग मिशंस के अंदर कैसा काम कर रहा है, कैसा अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, इसको आपको एग्जामिन करना है। ठीक है, तो अब एग्जामिन करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यू विल टॉक अबाउट कि इनिशियल हिस्ट्री कैसे रही है। इंडिया ने हमेशा से यूएन के अंदर जो यूएन का जो मैंडेट है कि पीस बनाना है, ऑर्डर बनाना है डिस्प्यूटेड रीजन्स के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन्स के अंदर, वहां पर इंडिया अभी तक अगर देखा जाए 1950 से लगातार पार्टिसिपेट कर रहा है। अराउंड 2 लाख ट्रूप्स हमने सप्लाई किए हैं टोटल 1950 से लेकर अभी तक, जो किसी भी कंट्री के द्वारा सप्लाई किए गए ट्रूप से सबसे ज्यादा है। करंटली अगर प्रेजेंट सिचुएशन को भी देखें तो जितनी कंट्री से ट्रूप्स गए हैं पीस कीपिंग मिशंस में, इंडिया का नंबर 5th आता है, यानी कि अभी जितने हमने ट्रूप्स भेजे हैं अगर उसके हिसाब से रैंक करें इंडिया को तो 5th नंबर हमारा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये बताता है कि हमारी कितने ज्यादा जो जवान हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, वो अलग अलग प्रोन अलग अलग वर्ल्ड के रीजन के अंदर जाकर के UN पीस कीपिंग मिशन को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे हमारे पुलिस पर्सनल, आर्मी के पर्सनल और दूसरे जो पर्सनल हैं वो दूसरे कंट्रीज के अंदर जाकर के उनकी जाने भी गई हैं, उनका लॉस ऑफ लाइफ भी हुआ है। तो वी हैव आल्सो गिवन लाइव्स, वी हैव आल्सो गिवन यू नो मार्टेडम इन अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू प्रिजर्व पीस, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व लॉ एंड ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पर एक तरीके से मैंने कुछ करंट मिशंस जो चल रहे हैं UN पीस कीपिंग में, वहां इंडिया की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो भी यहां पर लिख दिया। और मैंने ये भी बताया है कि जैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थी उन्होंने पीस मिशंस चलाए मिडिल ईस्ट के अंदर, साइप्रस में, कॉन्गो में तो अभी भी चल रहा है हमारा मिशन। इसके अलावा चेयर ऑफ 3 इंटरनेशनल कमीशन फॉर सुपरविजन वियतनाम, कंबोडिया, लाओस में जो जेनेवा अकॉर्ड्स बने थे 1954 के अंदर, उसके अकॉर्ड्स को इन्फोर्स करने के लिए भी इंडिया की जो फोर्सेस थी वो गई थी इंडो चाइना में। 5th लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है, 5,323 पर्सनल जो है हमारे वो डिप्लॉयड हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ UN, लेबनान में, कॉन्गो में, सूडान में, गोलन हाइट्स में, जो मिडल ईस्ट के अंदर है, यहाँ हर जगह हमारे जो सोल्जर्स हैं वो तैनात हैं। अभी रिसेंटली हमारे 2 सोल्जर्स की शहादत भी हुई थी जब कॉन्गो के अंदर देयर वाज अ यू नो वेरी वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द UN पीस कीपिंग मिशंस, और वहां पर जो इंडिया के सोल्जर्स थे उनकी जान भी गई थी, वो भी शहीद हुए थे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर इंक्लूड करके लिख सकते हैं। ठीक है, और अगेन कंक्लूजन आप देंगे क्योंकि एग्जामिन करने की बात थी तो कंक्लूजन देना जरूरी है। इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सेंडिंग वुमेन आल्सो ऑन द UN पीसकीपिंग मिशंस, राइट। और हम UN रेडियो में भी अगर हम देखा जाए तो मेडिकल सर्विसेज में देखा जाए, आर्म फोर्सेस की जो होती है वहां भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो जाकर के अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो इंडिया का एक बहुत अच्छा रोल रहा है UN पीसकीपिंग के अंदर। फिर बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन फुलफिलिंग इंडियाज इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में भारत के जो उद्देश्य हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एग्जामिन करना है। तो अगेन ये अगर क्वेश्चन का टॉपिक देखो ना, ये टॉपिक सब यूनिट 1 से आता है, यूनिट 3 के बायलेटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो बायलेटरल यानी 2 कंट्रीज, रीजनल यानी एक रीजन की कंट्रीज, और ग्लोबल ग्रुपिंग्स या अक्रॉस द वर्ल्ड की जो कंट्रीज की ग्रुपिंग्स होती हैं उसमें इंडिया का क्या रोल है और इंडिया को कैसे वो ग्रुपिंग्स इंपैक्ट करती हैं। इसमें
कौन सी ग्रुपिंग्स इंपॉर्टेंट है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें G20 आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया प्रेसिडेंट बन रहा है G20 का, तो बिल्कुल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे हम 2023 के अंदर कि क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन G20 एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज इट फॉर इंडिया और इंडिया किस तरीके से G20 कंट्रीज को यूज कर सकता है या इसकी प्रेसिडेंसी को यूज कर सकता है अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें क्वाड की ग्रुपिंग यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए। इंडियन ओशन रीजन की जो एसोसिएशन है उसमें इंडिया का क्या रोल रहता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ईस्ट एशिया समिट होती है उसमें इंडिया का क्या रोल रहता है, जो हमने इंडिया के नेबरहुड के अंदर जो सार्क बनाया हुआ था, सार्क अभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। तो ये सभी जो बायलेटरल ग्रुपिंग्स हैं जिसमें इंडिया की मेंबरशिप है उसको आप थोड़ा जरूर पढ़िएगा, उसके बारे में जरूर नोट्स बनाकर आपको तैयार रखने पड़ेंगे, इन पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एक ना एक। ठीक है, तो इंडिया ने एससीओ में अगर देखें, इंडिया वाज द फर्स्ट टाइम होस्टेड द हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इन द एससीओ और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ एससीओ का मेंबर है। तो इंडिया की अपॉर्चुनिटीज क्या बनती है, रीजनल सिक्योरिटी हमारी इंश्योर होती है सेंट्रल एशिया के अंदर, अगर सेंट्रल एशिया की कंट्रीज के साथ हमारा अच्छा कोऑपरेशन है तो रीजनलिज्म जो है वो उसको हम एम्ब्रेस करेंगे। ये एक ऐसी रीजनल स्ट्रक्चर है जिसमें इंडिया पार्ट है, इंडिया बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट नहीं है। अगर हम सार्क की बात करें, सार्क का पार्ट है इंडिया, लेकिन बिकॉज ऑफ नॉट सो गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान सार्क अब उतना ज्यादा रेलेवेंट रहा नहीं है। उसके बाद अगर BBIN नेटवर्क को देखें, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इसमें भी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है क्योंकि भूटान इज नॉट यू नो वेरी रिलक्टेंट कंट्री, दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होना चाहता है भूटान अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, तो एक वहां पर रीजन है। RCEP की अगर हम बात करें तो ये एक साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, इंडिया इसका पार्ट है, लेकिन और रीजनल ग्रुपिंग्स का पार्ट इंडिया नहीं है। तो SCO हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है रीजनलिज्म को एम्ब्रेस करने का। फिर सेंट्रल एशिया से हमारा कनेक्ट बढ़ता है, वहां पर हम इंडिया के कनेक्ट को, हमारी पॉलिसी को, हमारे सॉफ्ट पावर को वहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे ट्रेड के लिए अच्छा है, हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहां से, वहां पे रॉ मटेरियल्स जो है, वहां जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज्यादा अबंडेंट है, उसको हम वहां पर हार्नेस कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। चाइना से रिलेशंस थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं क्योंकि ये जो दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो चाहेंगी कि इंडिया और चाइना जैसी दोनों बड़ी कंट्रीज आपस में अच्छे से रहें, तो वो हमारी शायद मीडिएटर की तरह मदद कर सकती हैं कि आप जो है थोड़ा अच्छे रिलेशंस बना करके रखिए। नेक्स्ट, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस, क्योंकि पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है तो एक प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान से हमारी डायरेक्ट डायलॉग तो होती नहीं है ज्यादा, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जैसे कि SCO है वहां हमें एक मौका मिलता है कि चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर के हम कुछ बातों को डिस्कस कर सकें और वहीं से शायद डायरेक्ट डायलॉग हो उसकी पॉसिबिलिटी वहां से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, मिलिट्री कोऑपरेशन स्ट्रेंथन होगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेंट्रल एशिया है थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, टेररिज्म की यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत है, यहाँ पर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो काफी अलग अलग जगहों पर ऑपरेट करते हैं, तो उसको भी रोकने में हमें मदद मिलेगी अगर ये सारी कंट्रीज का कोऑपरेशन सिक्योरिटी के मामले में अच्छा रहेगा। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। यहाँ पर कंक्लूजन भी बहुत जरूरी है कि इवॉल्विंग ऑब्जेक्टिव ऑफ SCO अपीयर्स टू इंक्रीज नॉट जस्ट द रीजनल बट ऑल्सो इट्स ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और इन दिस सिनेरियो इंडिया एज अ मेंबर ऑफ SCO विल नीड टू फॉर्मुलेट एन अप्रोप्रिएट यूरेशियन स्ट्रेटेजी। तो ये एक आपका कंक्लूजन हो गया कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है SCO और उसकी हमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ उसके रिलेशन और उसके अपॉर्चुनिटी को हमें यूज करना चाहिए। राइट, सो ये तो डिस्कशन हो गए हमारे 2018 के उन क्वेश्चंस की जो पूछे गए थे फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। कल के सेशन में हम 2019 के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।